ओमपुरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले नाना पाटेकर साहब साफ कहते हैं कि पहले देश फिर कलाकार, देश के सामने हम कलाकार खटमल मात्र हैं, ये उनके शब्द हैं। आप नाना पाटेकर की बात से क्यों अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते? श्रीमान अवस्थी जी, एक तो मैं आपको 15 मिनट से सुन रहा हूं, आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तो हमको काहे को कुर्सी से बांध के रखा है यार 15 मिनट से, जब आप ही को बोलना है, आप ही के आप चैनल से, आप अपनी भाषा में अपनी इंटरप्रिटेशन से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप साहब, चाहते हो कि हिंदुस्तान सुनेंगे कि नहीं? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पैलेस्टाइन और इसराइल बन जाए और सदियों तक लड़ता रहे? हमारे हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं, उनके रिश्तेदार उधर रहते हैं, पाकिस्तान के रिश्तेदार इधर रहते हैं, और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये मुस्लिम कंट्री है। तो पूरी साहब, अगर पहले नंबर पे पाकिस्तान इंडोनेशिया, की तरफ दूसरे पे से हिंदुस्तान, प्रॉक्सी तीसरे पे वॉर चलता पाकिस्तान, रहेगा तो चलिए सरकार से कहिए कि उनका वीजा कैंसिल करे। सलमान खान, सलमान आप, राज अरे कितने आप अच्छे फिल्म काम फेटर्निटी करते के लोग तो हैं। बॉयकॉट कर सकते हैं कि हम नहीं काम करेंगे। क्यों फिल्म फेटर्निटी कहने में एक आवाज में कह क्यों पाती क्यों है? क्यों? मैं मजदूर आदमी हूं, मैं काम और करूंगा। ये बहुत जरूरी है इस एक देश के हफ्ते से लिए। आप लोगों को और कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। पूरी साहब, अगर मैं गलत मुद्दा उठा अरे रहा हूं आप तो ही मुझे करो, फांसी पर लटका दीजिए। आप तो बहुत बड़े एक्टर है आपने ना, पहली बार आप इस हमें देश मतलब के दिया लोगों से बोल के, सरकार के बोल के मुझे फांसी पर लटकवा दीजिए अगर मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूं। और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सैनिक जो अपनी 30 से 40 साल की जिंदगी बॉर्डर में गुजारता है, जिसको महीना का 30,000 रुपए की पगार मिलती है, आप उसके समय पूरे 40 साल की नौकरी की तनख्वाह जोड़ लीजिए तो भी 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए नहीं होती है। बड़े बड़े एक्टर एक एक फिल्मों में काम करने के 10 10 करोड़, 12 12 15 15 करोड़ रुपए लेते हैं, और फिर वो कहते हैं ऐसे वक्त में जब मरो और मरो मारो की स्थिति है, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, वो एक्टर टेररिस्ट नहीं होता, कलाकार सबसे अलग होते हैं। अरे पहले हम हिंदुस्तानी तो हैं कि बना लो पहले हम कुछ ना, और हैं? बना लो। अरे बना लो पैलेस्टाइन और इसराइल, पड़ोसी बना हो। तो हुआ है, 70 सालों से क्या हो रहा है? 70 सालों से क्या हो रहा है? पुलिस साहब, 22 करोड़ मुसलमान भाई हैं यहाँ, भड़काओ मत उनको। कोई नहीं भड़का रहा किसी को, आप भड़का रहे हैं, आप जैसे लोग भड़का रहे हैं। पूरी साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, इस देश में तमाम बहुत बहुत मुसलमान भाई शुक्रिया। देश के साथ खड़े हैं, देश के फौजियों के साथ खड़े हैं, पर हाँ बॉलीवुड लोग जो जिसको ये लोग हाँ इमिटेट करते हैं, जिनको हीरो मानते हैं, वो लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तब जनता में भड़काव आता है। सॉरी टू से पूरी साहब, और आप लोग कैसी आप लोग सॉरी कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो। बेशर्माओ बेशर्माओ बेशर्माओ। क्रिटिसाइज करिए अरे मुझे फक्र है, पुरी का, मुझे क्यों नहीं फक्र है कहते भाई को, क्यों नहीं भाई कहते जो अली काम जाफर को, किया। क्यों नहीं कहते राहत साहब को कि अरे हिंदुस्तान के आवाम के साथ खड़े हो? आपकी पुरी का, जो उरी को क्रिटिसाइज आपकी करो, जो कोई बारामूला को क्रिटिसाइज करो। कल एक जवान आप मारा गया, 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन हाँ तो जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ, कर्नल अरे थापर हमारे बात कर रहे हैं जवानों ने आपसे पूरी अंदर साहब, घुस के। कर्नल थापर जिन्होंने अपना अरे बेटा करगिल में खोया, आप हम बात सबके लिए करिए, शहीद हो गए विजय ये मुद्दा साहब। ही नहीं है जिसपे आप बहस कर रहे हैं पंडित जी। पूरी हाँ क्षमा साहब, कीजिएगा, पूरी आप साहब, अपने घर की पूरी कहानी सुना रहे साहब, हैं, बाप पूरी दादा साहब, इतने बड़े कलाकार। ये जो आपने नाम बताए, इनमें से पूछा जाए कितने इनके रिश्तेदार फौज में थे कभी भी? पूरी साहब, आपसे पूछ रहे मेरा कर्नल बाप थापर, फौज में, मेरा मेरा बाप फौज में था, उसका नंबर था 1952-87। बोलिए, अरे आपके श्रीमान, आप बहुत अरे बड़े एक्टर हैं, श्रीमान, आपके बहुत बड़े लोग अरे फॉलोअर हैं, श्रीमान आपकी बातें सुनकर लोगों का श्रीमान, दिल टूटता है। चुप रहिए आप। अरे नहीं पूरी साहब, क्या बीच में टोकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसराइल और पैलेस्टाइन बने? की भाषा का ऐसी बात इस्तेमाल कर रहे कर हैं, रहे हैं, कौन हम बोल लोग रहा है, बहुत देर से सुन रहे ये हैं, कौन बोल आपको रहा है? इस मैं तरह की बताता भाषा हूं, का मैं परिचय इस्तेमाल नहीं कराता करना हूं। चाहिए। आप हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी कलाकार के लिए, आप एक सलमान खान के लिए जो पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करता है, आप उसके साथ काम करना चाहते देखिए हैं, आप सलमान उसके साथ पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए पूरी फौज को, पूरी अरे चुप सेना रहो को, यार, अरे आप क्या, आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप हैं क्या? आप अच्छे कलाकार थे, लेकिन आप एक गंदे इंसान हैं।
आप जैसा घटिया इंसान हम लोगों की गर्दन को झुकाता है, हमारे सर को झुकाता है, और आप जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, आप इसराइल की बात करते हैं, आप समझते क्या है? अरे हिंदू और मुसलमान को झगड़ा लगाने का काम आप जैसे लोग करते हैं। आपको ये याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी कि यहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान है? क्या हम जानते नहीं है कि इस देश में 22 करोड़ मुसलमान है? और क्या हम जानते नहीं है कि इस देश के उस देश के साथ संबंध है? लेकिन उस देश के लोग आतंकवादी बन के हमारी सेना को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं। मुंबई में हमला करते हैं, आप मुंबई में तब आपको चलेगा क्या? या आपको समझ में आएगा? एक शहीद की शहादत को ओमपुरी जैसे व्यक्ति नहीं समझ सकता है तो कौन समझेगा? अरे ओमपुरी साहब, हम तो आपको संजीदा समझते थे, आपने मेरे देश की गर्दन झुका दी है। शर्म आनी चाहिए, और मुझे आगे शर्म महसूस होगी कि ओमपुरी जैसा कलाकार मेरे शहर मुंबई में रहता है। अरे सेना को समझो, आपके तो पिताश्री सेना में थे, फिर भी आप सेना को नहीं समझ रहे हो। आप इस देश को समझना नहीं चाहते। आपने पता नहीं फिलिस्तीन और इजराइल कहां से समझ लिया है। आपको गृह युद्ध दिखाई दे रहा है, यहां देश पे हमला हो रहा है, यहां सेना पे हमला हो रहा है। आप किस तरह की बात करते हैं मिस्टर ओमपुरी साहब? आपको देश को समझने की जरूरत है, और इस तरह की नाना एक सोच की मेरे देश को जरूरत नहीं है मिस्टर ओमपुरी साहब। बागी सारस्वत एमएनएस की नेता, एक मिनट, मेरे पास और गेस्ट भी है, उनके बात करता हूँ। पुरी साहब, अगर आप बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं वागी सरस्वत का, तो 30 सेकंड है आपके पास। मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं, आप जवाब देना चाहें तो आप दे दीजिए। मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा आपको। आप यहाँ 10, 15, 20, 25 जितने भी हिंदुस्तानी तैयार कर सकते हैं, जो अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान में जाके कुछ उड़ा फुड़ा के आए, तो उन्हें तैयार कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या जवाब दिया पुरी साहब, क्या जवाब दिया आपने?